हाँ भाई छोरो, तो भाई तुम लोगों ने भैया कभी ना कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से भैया भूतों की कहानियां तो सुनी होगी राइट। तो वेल तुम्हें क्या लगता है, भूत असली होते हैं या नकली होते हैं? वेल बॉयज एंड गर्ल्स, आज की ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा जो भी प्रोस्पेक्टिव होगा ना वो कतई चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है भैया भूत पिशाच नहीं होती, ये सब बस एक बकवास बात है, तो वेल दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ रियल 55 घोस्ट इमेजेस या फिर सुपर नेचुरल इमेजेस विद स्टोरी, ताकि तुम्हें भैया एक्सप्लेन कर सकूं कि हिसाब पानी क्या चल रहा है ना। एंड वेल उसके अलावा लास्ट वीडियो तुम्हें याद होगा, इस वाली में अपन लोगों ने भैया डर्टी इमेजेस देखी थी। इवन तो डर्टी थी भी नहीं बोलो वो इमेजेस, बट बस तुम लोगों का माइंड चेक कर रहा था मैं, देख रहे हो यहाँ पर योर माइंड इज डर्टी। जी हाँ, तो वेल इस वाली वीडियो में भैया काफी लोगों ने काफी सारे भैया दुनिया भर के कमेंट्स किए हैं, तो पहले एक्चुअली उन्हें चेक कर लेती है क्योंकि भैया मेरे को आजकल टाइम नहीं रहता और मैं कमेंट देखता नहीं हूँ। और वैसे भाई तुम्हें इस वाली वीडियो के कमेंट स्पेशल इसलिए है क्योंकि तुम कुछ बता रहे थे, दैट्स वाई है ना। एंड वेल मैंने वीडियो में भी कहा था, एंड हियर वीडियो डिमोनेटाइज हो गई है भाई तुम्हें या वीडियो डिमोनेटाइज हो गई, नेवर माइंड एक्चुअली है ना। ओके आई एम शैडो, नाइस ब्रो, नाइस टू मीट यू। ओके सो द सेकंड फोटो एंड थर्ड फोटो गॉट, अरे यार डैम वो तो सही थी एक्चुअली, मुझे पता है आखिरी वाली फोटो ज़्यादा खतरनाक लगी थी है ना। नेचर गंदा है, नहीं ब्रो नेचर शुद्ध है ब्रोदर, अपनी सोच गंदी है ना। ब्रो वी नीड मोर वीडियो लाइक दिस ब्रो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब मैं भैया तुम लोगों को कतई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके कतई भैया ऐसे कि मतलब भाई ये तो नई चीज आ गई लाइक दैट। ओके मैं कुछ समझ नहीं इस वीडियो में, नेवर माइंड ब्रो। ब्रो गेटिंग टर्मिनेटेड फॉर शोइंग दैट इन द सेकंड, अरे यार डीमोनेटाइज हो गई वीडियो, मेरे को तो एक भी सेकंड नहीं लगा वो समझने में। बाय द वे वो वेयर टू फाइंड लव वाले का आंसर पेरिस था जो आप समझ रहे हो, रियली पेरिस, डैम मैं तो कुछ और ही समझ बैठा भाई मैं लिटरली कुछ और समझ बैठा भाई, आई एम वेयर टू फाइंड लव। आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? बस ब्रो तेरी माइंड की जो हैवानियत है वो साफ साफ दिखा रहा हूँ, दैट्स ऑल एक्चुअली है ना। ऑल राइट हम सब का कल काला है, वेल मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही है एक्चुअली। ओके प्ले द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल रॉयल, वेल ब्रो कभी ना कभी ट्राई करेंगे, डोंट वरी। नहीं 0.02 आई फेल 90% ब्रो, आई ऑल्सो, यार तू क्या भाई, मैं खुद हो गया एक्चुअली है ना भाई, मेरा बचपन बर्बाद हो गया, अस ब्रो अस है ना मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आई पास दिस चैलेंज, अरे ओए झूठ ना बोल, झूठ ना बोल अंकल जी, झूठ ना बोल, मुझे पता है तू फेल हो गया, हैवानियत साफ साफ पता चल रही है मेरे को है ना, झूठ मत बोल मुझे पता है फेल हुआ है। ओके नो न्यू गेम, यस ब्रो फाइनली कितने टाइम बाद एटॉमिक्स की वीडियो देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ओके सो एनीथिंग गुड ब्रो, तो जी मैंने इसको भैया सुअर बोला था सो उसके लिए पागल हो रहा है छोरा, नेवर माइंड एक्चुअली है ना। तो कोई और कमेंट है फिर आगे बढ़े अपन लोग। एटॉमिक्स भाई आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे या क्या कर सकते हैं? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, सीधी बात है, पर अपन तो अपना काम करते रहेंगे, आए या फिर मत आए। वैसे भी महाभारत में कहा गया है, नहीं सॉरी महाभारत नहीं भागवत गीता में, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, मिला तो ठीक ना मिला तो ना सही जैसी ऊपर वाले की मर्जी, अपन इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते ब्रो एक्चुअली है ना। एटॉमिक्स भाई मिलते हैं नरक में, ब्रो 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 नरक में जरूर मिलेंगे एक्चुअली है ना, बट मेरे लिए तू सीट बचा के रखना कढ़ाई में दोनों भाई मिलके भैया मस्त फ्राई होंगे रिफाइंड ऑयल में। साले आपने आपने नसीब तो अपने कर्म तो इतने गंदे, अपने को तो सांडे के तेल में तला जाएगा हाय लेट्स सी एक्चुअली है ना। मैं ये वीडियो फैमिली के सामने टीवी पर देख रहा था, बहुत अच्छी बहुत वाह रे वाह मूर्ख वाह, हैं सारे बकांडा से पकड़ के क्यों लाया मैं तेरे को पता नहीं, नेवर माइंड। चलो सही आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, ऑलराइट तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एंड वेल भैया जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं तुम्हें 55 इमेजेस दिखाऊंगा, बट सही कहूं अब भैया प्लान चेंज हो गया क्योंकि वो 55 इमेजेस उतनी मतलब सही नहीं थी है ना, मतलब थी बट
उतनी ज्यादा नहीं थी, बट वेल ये 23 हॉन्टिंग इमेजेस, वेल ये सुनने में सही लग रहा है, सो एक बार इसको ट्राई मारते हैं ना, है या नहीं है। वो वाली तो ऐसी ही थी भैया कि मार काट वाली के, मतलब ये साइकोपाथ था ससुर भैया, मास्क पहन के वो बीवी बच्चों को लेके भाग जा, इग्नोर एक्चुअली है ना। ओके सो डैम बॉय यू हैव सम सीरियस इशू यार, भाई लिटरली कौन सोता है अपने घर में ऐसे अस्थि पंजरों के साथ है भाई, ये बंदा लिटरली साइकोपाथ है। स्टोरी क्या है इसकी, दिस मॉर्बिड टैबले ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट ड्रीमिंग ऑफ हिज रिसर्च सब्जेक्ट इन 1910। बाबरा है छोरा खोपड़ी और धरी और उसके मुंह में लिटरली भैया उक्का है, नहीं सिगार बोलते हैं इसको एक्चुअली है ना, बट भैया माल होगा इसके अंदर। डैम यू स्केलेटन, मर के भी अपनी इच्छाएं पूरी कर गया। ओके 12 ईयर ओल्ड डोमिनिक पैरेट एंड हिज पेरेंट्स आइडेंटिफाइंग अ पोर्टल दे विटनेस टू अनदर डायमेंशन इन 1976। ओके तो इन लोगों को किसी काइंड ऑफ पोर्टल दिख रहा है किसी तरह का एक्चुअली है ना, भाई पोर्टल का नहीं पता बट ये दिख रहे हो तुम, ये चचा आंखें दिख रहे हो उसकी कितनी भंड बड़ी हैं। आई एम श्योर भैया आज आंटी जी ने ना कोकीन के पराठे बना के खिला दिए भैया पूरे परिवार को, दैट्स वाई इन लोगों को भैया यहाँ पर कोई हॉन्टेड पोर्टल दिख रहा है, बट उन सब चीज़ों को छोड़ो। डैम दिस यार, भाई कैसा करे तुम लोगों का डरावना सा हो स्कैरी बॉय। ओके ब्रिटिश साइकिक रिसर्चर हैरी प्राइस इन हिज लाइब्रेरी सराउंडेड बाय हिज घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट इन 1945। ओके ये है इसके घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट, तो ये इमेजेस में ये स्कैरी कहाँ से हुई, अरे कुछ डैम ये वाली डरावनी है भाई। इस वाली में भैया पूरी पूरी फीलिंग आ गई मेरे को कि ये डरावनी होने वाली है एक्चुअली है ना। ओके फोटोग्राफर ऑफ घोस्ट टेकन इन द 1920 बाय विलियम होप हु क्लेम ही कुड डॉक्यूमेंट द डैड विथ हिज कैमरा। अच्छा जे रही अरे 1920 में तो भैया एडिटिंग का सीन पानी था ही नहीं है, जो थी वो थी इमेजेस एक्चुअली है ना, बट वेल ये वाली इमेजेस को बताऊँ क्या कहते हैं, इनको कहते हैं भैया मल्टी शॉट इमेजेस, मतलब एक इमेज ली एंड उसके ऊपर दूसरी इमेज, मतलब जो नेगेटिव फिल्म होती है ना, पहले के वो शटर वाले कैमरा आते थे जी हाँ, तो उसमें होता था ये हिसाब पानी, उसमें मतलब एक के ऊपर एक इमेज को एक्सपोज करके ये इफेक्ट दिया जाता था इमेज में फोटोज में, ताकि लगे कि भैया भूतिया है काइंड ऑफ, मतलब पहले के लोगों का साइकोपना था। ओ डैम व्हाट द हेक इज दिस, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होल्डिंग श्रंकन हेड फ्रॉम इक्वाडोर सिरक्रा 1900। भाई इसको देख के लिटरली मेरे को ना एक भूतिया मूवी की याद आ गई, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो पुरानी हवेली, उसमें भूत होता है ना लिटरली गौर से देखना आखिर में भैया उसका भी चेहरा ऐसे ही, मतलब ऐसा ही होता है बिल्कुल सेम डिक्टो का था एक्चुअली है ना, ऐसे ही उसके होंठ सिले हुए होते हैं। वो डैम यू बॉय, मुझे नहीं देखना आई एम स्कैर्ड, आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड, प्लीज हाइड दिस। भाई अंकल देखो कैसे देख रहा है मेरी तरफ है, जाने लिटरली भैया अभी निकल के खा जाएगा मेरे को। मम्मी परपोर्टेड to be the body of John Wyke's booth is displayed at a carnival and the police who were called to investigate the grisly sideshow 1937. Okay. Wait. Really? ये मम्मी है? ये पापा नहीं है? Damn you uncle? पर क्या फूंक के मारा था साले? भाई मुझे पता है मरे हुए का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, बट लिटरली भाई उसकी आंखें देखो क्लियर पता चल रहा है, पता नहीं कौन सा माल फूंक के गया था अंकल। डैम सॉरी अंकल, माफ कर देना है ना, मेरा आपकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं है, बस मेरी बड़बोलापन है ये एक्चुअली है ना, मेरी आदत बेकार है, मैं बड़बोलेपन से दूर नहीं रह पाता है ना। अबे यहाँ पे भूत देखने आए तुम सारे मूड बना रहे हो हमारा है, ये देखियो भाई कहीं इमरान हाशमी बढ़ रहा है। चलो छोड़ो स्टोरी पे आते हैं। द डेल्टा ताऊ, ताऊ अंग्रेजों में भी ताऊ ताई होती है, ओ मुझे ना पता था। ओके डेल्टा मम्मी एट स्वीनी द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ वर वुमेन इन 1940 वर रिपोर्टेडली टोल्ड किस मम्मी और किस मी है,
तो ये कौन साइको पाथ है? डैम यू, तुझे भी किस चाहिए? ओके वेल देन यू हैव टू वेट अलॉट एक्चुअली यार, अलॉट एक्चुअली है ना भाई, कौन देगा इसको किस है भाई? तुम दे सकते हो? नहीं, आजकल के सिंगल लोंडो की बात नहीं कर रहा, वो तो भैया इसको भी दे दे लाइक मी शिट, ये नहीं बोलना था, छोड़ो। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। ओके, दिस फ्रेंच फैक्ट्री वर डॉल्स आर बिल्ड टू रिजेंबल रियल पीपल सिर्का 1910। ओके डैम भाई, मैं लिटरली सोच रहा था इसमें स्कैरी क्या है, ये देखियो। डैम यू दीदी, यू आर सो स्कैरी। एंड सही बता रहा, ये माउथ देख के कोई फीलिंग आ रही तुम लोगों को? मुझे पता है सिंगल लोंडो को तो आ भी गई होगी नेवर माइंड, जो नहीं समझे वो ना ही समझे, जो समझ गए वो समझ गए, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ओके तो भाई कौन खरीदेगा ये बताइयो हैं? लिटरली कोई खरीद सकता है ये तात्या बिच्चू? मैं तो भैया फ्री में दे तो ना लूं। ओके, प्रोफेसर पोप जी गैस्टली इन्वेंशन रेडियना अ रोबोट बिल्ड विथ ह्यूमन बोन्स हैं? अरे भाई कौन तू अंकल? टीन टप्पर से बना लेता भाई, लोहे भी होते हैं। व्हाट बोन्स भाई, उसमें कौन सा अलग ही केमिकल मिलेगा यार? हेलो बट डैम दिस आंटी लुक्स स्कैरी भाई। यप ऑब्वियसली। ओके नेक्स्ट वन, अ विजिट टू द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बाय चार्ली स्मिथ द क्लाउन सरका 1930। भाई सरका है का चीज ये है? खौफ ला दिया भाई मेरे अंदर। ओह व्हाट द हेक ब्रो, कंट्रोल पा जा भाई थोड़ा सा। ए बच्चे डरा दिए थे ना, ये देखिए इस बेचारे की आंखों में खौफ दिख रहा है, इवन तो आंखें बंद है बट खौफ दिख रहा है मेरे को, है ना। डैम यू अंकल साइको भाई, लिटरली ये देखो इसकी तो आंखों में क्लियर खौफ दिख रहा है। बे बावर आए के भाई उसको पैर लिटरली। बे क्लाउन कम, तू सारे बच्चा किडनैप करने वाला ज्यादा लग रहा है, चिल मार जा ताऊ बाबला हो गया। ओके, हियर्स अ स्केलेटन प्रेइंग अ विजिट टू लुईस आर्मस्ट्रांग ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस 1936। ओके मतलब स्कैरी तो ना इसके अंदर कछु भी, बट कह रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। ओके, हियर्स उजी ओसबर्न चैनलिंग हिज इनर बेयरवुल्फ 1983। डैम यू दीदी, यू लुक सो स्कैरी भाई, लिटरली ये भाई कसम से बता रहा हूँ, ऐसा अगर कोई मेरे सामने आ जाए ना, मैं मुद्दू पैंट में मजाक से हटके, ओके ये कितनी स्कैरी लग रही है यार, है हाथ देखो भाई। मुझे पता है तुम में से काफी लोग कहोगे ब्रदर फालतू में क्या डर रहा है, बट एक्चुअली एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने लिटरली बताओ ऐसी कोई शकल वाला आ जाए ना, भाई तुम पैंटों में मुतोगे, झूठे मत बनो मेरे सामने, ठीक है सीधी है बात जो एक्चुअली है ना। And the founder of the Church of Satan, Anton LaVey, presiding over a black mass 1967. Okay. क्या चाह रहा है? ओह अंकल, हातिम ताई बनने की कोशिश कर रहा है बताओ राक्षसों के मंदिर बना रहे हैं लोग यार, है ये ना अंग्रेजों की बुद्धि भैया गोटू में का लगी साइकोपाथ। द डेविल दैट वॉच ओवर लंडन लंडनर्स फ्रॉम अटॉप द टिबोली थिएटर 1927। ओके ओके हाँ, एक्चुअली मैंने भैया एक दो फोटोज में देखा है, लंडन में एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर भैया एक भूत की इमेजेस लगी होती है, एक्चुअली फोटोज में नहीं मूवीज में देखा है, जी हाँ। मतलब ना उतना क्रीपी स्कैरी तो ना है, ठीक है। अ कवेन ऑफ बिचेस पोजेस फॉर अ पोर्ट्रेट एट अ हेलोवीन पार्टी सिरका। बे सिरका है का जगह भाई, हैं विदेशियों का भूत बंगला है के है का मजाक ये? ओके सो यहाँ कुछ स्कैरी है या फिर ओ डैम
डैम भाई, ये बाकी तो सब अति कॉस्ट्यूम वाली लग रही है, मेरे को लिटरली भाई पूरी पूरी फीलिंग आ रही है, ये रियल बिच है। ओ दीदी, अगर तू ना भी है ना तो तू तू जीत गई, तू ये तू जीत गई, ये प्रतियोगिता तेरे ही लिए बनी है। ओके डैम यू लुक सो स्कैरी यार, डैम यू आंटी जी, एंड इसको देखो भाई मेरे को, मैं बच वेट, एक दो तीन, भाई लिटरली ये तीनों तो रियल बिचेस लग रही हैं, बाकी तो भैया फिर भी झूठी मूठी लग रही हैं, बट चल 100-200 ग्राम तू भी लग रही है ठीक है, बट भाई लिटरली ये तीनों तो कतई मतलब, डैम यू आंटीज यू लुक सो रियल यार, हैं कतई भैया, ये देखो ये मौनजुलिका, देखो मौनजुलिका वन, मौनजुलिका टू एंड मौनजुलिका थ्री, हाँ मतलब दो मौनजुलिकाओं के बाद ये खापी के मोटी हो गई थोड़ी सी, डैम आई लाइक इट एक्चुअली है ना। ओके द लोन ट्री टॉप गेलो हिल इन सेलेन मैसाचुसेट्स वेयर पीपल हु वर कन्विक्टेड अस विचेस वर हैंग ड्यूरिंग द सेलेम बिच ट्रायल। ओके ओ गेट इट, मतलब जो पहले के टाइम पे चुड़ैले होती थी ना, हाँ मतलब रियल नाम नहीं ले सकता वरना यूट्यूब इस वीडियो को भी डिमोनिटाइज कर देगा। ओके सो पहले के टाइम पे भैया जो चुड़ैले होती थी ना उनको इसी पेड़ पे लटकाया जाता था, लोगों का कहना है। डैम ये स्कैरी है भाई, वेल आई नो मुझे पता है तुम लोग क्या कहोगे, ब्रदर ये जस्ट एक पेड़ है, इससे भी क्या डर रहा है तू यार, बट वेल पेड़ के पीछे की कहानी देखो यार, मतलब मानो तुम रात में भैया यहाँ पर मस्त बैठ के उक्का फूंक रहे हो अपने 3-4 दोस्तों के साथ, एंड देन पीछे से आवाज आए कि भैया एक गस्त हमको भी लगा लेंगे, देन तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, एंड यार मान लो, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो तुम लोग यहाँ मस्त मतलब पिकनिक मना रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड, छोड़ो बॉयफ्रेंड, छोड़ो दोस्त के साथ, फ्रेंड फ्रेंड विद बेनिफिट, एक्चुअली लीव करो नहीं करते छोड़ो। ओके एंड द लोनली सेल वेयर दोज हु वर कन्विक्टेड इन सेलेम अवेटेड देयर एक्सिक्यूशन। ओके तो ये जेल का एक कमरा है जहां पर भैया लोग अपनी फांसी चढ़ने का इंतजार करते हैं। भाई साहब दीवार भी डंकी नहीं दे रखी है, मतलब बंदा मरने जा रहा है तो यूं ना कि भैया उसको मस्त वीआईपी होटल में रखे फिर थोड़ी मतलब जिंदगी के 3 दिन रहे 4 दिन रहे उसको सुकून से, नहीं पीड़ा दो साढ़े को, बता मरने से पहले भी भैया लोगों को सुकून नहीं मिल रहा, मरने के बाद तो क्या ही मिलेगा, मतलब या सांडे के तेल में खोला जाएगा ससुरों को। फोर ग्लोइंग UFOs होवर इन द स्काई एट 9:35 AM ऑन जुलाई 15, 1952 ओवर सेलेम मैसाचुसेट। ओके ठीक है यहाँ पर ये सब है और ये रियल सी ही लग रही है देखने में, तो मतलब एडिटिंग सी तो ना लग रही है, मतलब जो नॉइज देख रहे हो तुम बैकग्राउंड में वो इमेजेस पे भी आ रही है, मतलब ये लेयर इमेज तो ना है इतना मैं कह सकता हूँ। यस तुम मेरी बात पे यकीन कर सकते हो, आई एम अ प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएटर सो कर सकते हो ठीक है भाई, बहुत काम पड़ता है हमारा दिन रात ये लेयर वगैरह सीन पानी, तो इतना मैं जानता हूँ ये कौन सी रियल है और कौन सी फेक है, तो यह तुम कह सकते हो ये है तो रियल, बट इसके दो सीन हो सकते हैं ठीक है, या तो ये रियल UFO इमेज है या सेकंड भैया कोई आसमान में लाइट दे रहा है, बट लाइट दे रहा होता तो यहाँ पे भैया लिटिल बिट स्पार्क आ जाता, बट वो नहीं है मतलब ये रियल है, वेल हु नोस एक्चुअली यार, हु नोस एक्चुअली है ना। ओके द हॉन्टेड मेड वुमेन्स रूम इन नॉर्टन कॉनियर्स मैनर इन नॉर्थ या यॉर्कशायर इंग्लैंड वेयर अ वुमेन वॉज लॉक इन आइसोलेशन फॉर ईयर ड्यूरिंग द 1700 एंड वेयर हर स्पिरिट एलिजिबली रिमेन टू दिस डे। ओके डैम यू भाई, किसी को इस कमरे में कैसे भैया आइसोलेट किया जा सकता है यार, हेलो लिटरली वहां पे सब ये खुर्ची दे रखी है, मतलब यहाँ बैठ के मस्त मतलब सूरज को देखो एंड भगवान का नाम जपते रहो, अरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ आई लाइक इट। वैसे
जो बंदे स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए तो भैया मस्त कमरा है ना, बट जो मॉडर्न होते हैं, यूनिक मतलब आजकल के विचारधारा वाले होते हैं, उनके लिए तो भैया ये नर्क है एक्चुअली, है ना। हाँ मेरी बात करो, मैं आराम से लिटरली यहाँ पे ये सदियाँ बिता सकता हूँ, मेरे को ठीक लगा ये कमरा, रात में मस्त सो यहीं पे, आई लाइक इट। मैं रह सकता हूँ इस रूम के अंदर आइसोलेशन में एक्चुअली, है ना। मुझे भैया इस वाली में से डर नहीं लगा भाई, तुम मुझे इंट्रोवर्ट समझ सकते हो यार, मैं लिटरली यार अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ कंपेयर टू लोगों के बीच रहना, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना, आई लाइक इट। ओके, एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रीट बेड नोन एज द क्रिब एट अ न्यूयॉर्क साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक्स हॉस्पिटल। ओके तो वेट, ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लगा हुआ एक इलस्ट्रेशन है, मतलब बोले तो एक आर्ट है, मतलब एक ड्राइंग है, इमेज है, मतलब एक तरह की पेंटिंग है ना, काइंड ऑफ। और इसमें भैया क्या दिखाया जा रहा है, ये देखियो कि बेड पे वो लेटी है, और ना तो ये बेड ही बता रखा और ना ही सालों ने कॉफिन बना रखा, अरे चाह कर रहे हो जिंदगी से है, कोई लिटरली भैया यहाँ भर्ती होने आया ना तो आधे से ज्यादा तो इसको देख के वापस भग जाए कि ना भाई इस हॉस्पिटल में नहीं और किसी में भी चलेगा, इसमें नहीं, चाहे भैया हमारा छोरा भैया दीवार में सर मार मार के मर जाए, बाप रहा होता डोले सड़कों में, इस वाले में नहीं एक्चुअली। यार ओके, स्पूकी हेलोवीन कॉस्ट्यूम सिरका, यार कहा चल रहा है भैया, सिरका है कहा है, है? राम से ब्रोदर्स का वो है क्या आइडिया वाला एरिया, बट एंड ये हेलोवीन ड्रेस है। हाँ भ्राता जी, तुम हेलोवीन वाले भूत कम और ड्रग डीलर ज़्यादा लग रहे हो, डैम यू चार्लीज़, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ मुझे नहीं बेरा था, वो तू ऐसे काम भी करने लग गया, और भाई वो छोड़ो ये देखो पम्पकिन, तो भैया पम्पकिन भी स्कैरी लग रहा है, आई लाइक इट। ओके, एंड दिस गोलिश क्रू मेकिंग इट्स वे टू अ पार्टी 1938। ओके भाई इन दोनों का तो पता नहीं, बट ये वाला बंदा मेरे को डेफिनेटली स्कैरी लग रहा है। ओके एक्चुअली में स्कैरी है एक्चुअली में। ओके नेक्स्ट वन इज, एंड लास्टली ईयर प्रूफ दैट हेलोवीन कॉस्ट्यूम विल नेवर बी अस कैरी अस देवर इन 1920। ओके स्कैरी कहाँ पर है, मतलब हाँ तू आंटी थोड़ी बहुत स्कैरी लग रही है, बट मतलब चल रहा है पता कि भैया ये कॉस्ट्यूम है रियल नहीं है, आई गेस उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि हाँ भैया मैं भूत लग रही हूँ एक्चुअली, है ना, वॉट एवर। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज की इमेजेस में बस इतना ही, इतनी ही इमेजेस थी। एंड उसके अलावा अगर मतलब भैया तुम लोगों के पास कोई बढ़िया सा टॉपिक हो, कुछ ऐसा जो भैया कतई अनएक्सपेक्टेड हो, जो मैंने पहले कभी ट्राई ना किया हो, या फिर तुम लोगों को उम्मीद ना हो कि मैं कर सकता हूँ, तो वेल तुम लोग भैया कमेंट सेक्शन में अपना आइडिया छोड़ के जा सकते हो, अगर मुझे पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा कमेंट में दिखा दिया करूंगा कि भैया ये वाला आइडिया इस भ्राता की तरफ से। सो यस, अगर तुम लोगों को भैया आज की वीडियो में मजा आया हो तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक करो, एंड मिलते हैं जल्दी को और न्यू वीडियो में, टिल देन गुड नाइट।